शहर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार द्वारा आदेश दिया है कि पेट्रोल पंप के पास विदाउट हेलमेट और ट्रिपल सीट जो वाहन चलाते दिखे उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। उसी आदेश के अनुसार शहर में यह कार्रवाई की जा रही है। नागपुर में सीपी के आदेश अनुसार यह कार्रवाई की जा रही है। नागपुर शहर में आज भी विदाउट हेलमेट और ट्रिपल सीट वाहन चलाए जा रहे हैं। इस पर रोक लगाना जरूरी, इसलिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा बिना हेलमेट वाहन चालकों पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस आज सुबह से कार्रवाई में जुटी है। लकड़गंज परिसर के यातायात विभाग के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दीपक साखरे ने यह भी कहा कि लोग हेलमेट न पहनने के कई कारण बताते हैं। नागपुर शहराचे पुलिस आयुक्त माननीय श्री अमितेश कुमार जी यांनी आदेश दिलेला आहे की पेट्रोल पंपाजवळ विदाउट हेलमेट आणि ट्रिपल सीट वाल्यांच्या विरोधात कारवाई करण्यात यावी म्हणून सीपी साहेबांच्या आदेशानुसार आम्ही ही कारवाई करत आहो। नागपूर शहरामध्ये आजही मोठ्या प्रमाणामध्ये विदाउट हेलमेट आणि ट्रिपल सीट वाहने चालवतात, याला कुठे ना कुठे आळा बसावा म्हणून आम्ही आमची कारवाई नियमितप्रमाणे इथे करत आहोत। आज रोजी आम्ही इथे सकाळी 10:15 आलो आणि 10:15 आमची कारवाई सुरू आहे। यामध्ये बरेचसे लोक जे आम्हाला सांगतात की आम्हाला मायग्रेनचा प्रॉब्लेम आहे, डोक्याला ट्यूमर आहे, मग आम्ही इमर्जन्सीमध्ये दवाखान्यातच जात आहो, असा काही बहाणा करून आणखी विविध बहाणे करून लोग आमच्या समोर आपल्या व्यथा मांडतात। लेकिन नागपुर पुलिस अब अपनी कार्रवाई पर जुटी नजर आ रही है। पुलिस का कहना यही है कि वह हेलमेट पहने और ट्रिपल सीट गाड़ी ना चलाएं। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।